आज भारत में बने उत्पादों के आसपास एक बड़ा प्रचार है। हम दुनिया भर के कई ब्रांडों से घिरे हुए हैं, बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि कई भारतीय ब्रांड जो अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से पूरी दुनिया पर हावी हो रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारतीय कंपनियां दिखाई दी थी। इनमें से प्रमुख है टाटा ग्रुप, डाबर, गोदरेज, वडीलाल और पार्ले जी। हम 10 ऐसे भारतीय ब्रांडों की बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है। नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी एक साम्राज्यवादी व्यापारी कंपनी थी जिसने पूरी दुनिया के लगभग आधे हिस्सों पर शासन किया। अब यह एक हाई एंड लग्जरी गुड्स प्रोवाइडर है जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि भारतीय संजीव मेहता हैं। नंबर 9, लुई फिलिप। फ्रांसीसी सम्राट लुई फिलिपी के नाम पर यह नाम हमारे लिए फ्रांस की छल भावना लाता है। यह 1989 मदुरा फैशन और लाइफस्टाइल के द्वारा शुरू किया गया पुरुषों के कपड़ों का एक प्रसिद्ध भारतीय ब्रांड है। नंबर 8, मोंटी कार्लोस। मोंटी कार्लोस लिमिटेड पुरुषों और महिलाओं के कपड़ों का एक प्रमुख भारतीय ब्रांड है। इसकी स्थापना 1984 में ओसवाल उलन मिल्स लिमिटेड के द्वारा की गई थी। नंबर 7, कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे एक भारतीय कॉफ़ी श्रृंखला है। पहला सीसीडी कैफे 1996 में बेंगलोर में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारतीय ब्रांड विदेशों में वियना, प्राग, कराची और दुबई जैसी जगहों पर फैला हुआ है। यह वर्तमान में वृक्षारोपण का मालिक है, कॉफ़ी उगाता है और अपने आउटलेट्स के लिए कॉफ़ी मशीनें और फर्नीचर बनाता है। नंबर 6, लेकमे। लेकमे एक पॉश फ्रांसी नाम हर किसी की होठों पे गुन सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक प्रसिद्ध भारतीय ब्रांड है। इस कॉस्मेटिक कंपनी का नाम फ्रांसीसी ओपेरा लेकमे के नाम पे रखा गया था, जो हिंदू देवी लक्ष्मी से भी ली गई थी। लेकमे टाटा ग्रुप के हिस्से टाटा ऑयल्स मिल की सहायक कंपनी के रूप में शुरुआत की। हिंदुस्तान यूनिलीवर लेकमे को ओन करता है और पुष्कर राज सेनाई इसके CEO हैं। नंबर 5, पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड एक प्रसिद्ध भारतीय ब्रांड है जिसका संचालन और स्वामित्व मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल के द्वारा किया जाता है, जो आदित्य बिरला ग्रुप की सहायक कंपनी है। 1997 में स्थापित पीटर इंग्लैंड भारत के सबसे बड़े मेंस वेयर ब्रांडों में से एक है। नंबर 4, ओल्ड मॉन्ग। आमतौर पर लोकप्रिय विदेशी शराब ओल्ड मॉन्ग भारत का एक डार्क रम ब्रांड है। इसे पहली बार 1954 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोहन मिकिन लिमिटेड के द्वारा बाजार में लाया गया था। 2013 में यह दुनिया की सबसे बड़ी डार्क रम सेलिंग ब्रांड कंपनी थी। ओल्ड मॉन्ग भारत में बना है और रूस, जापान, अमेरिका, एस्टोनिया, UK और अन्य देशों में विक्रेता द्वारा बेचा जाता है। नंबर 3, वैन हुसैन। वैन हुसैन PVH के तहत एक कपड़ों का बड़ा ब्रांड है, जिसे पहले फिलिप वैन हुसैन कॉरपोरेशन कहा जाता था। इसे 1889 में स्थापित किया गया था। वैन हुसैन इंडिया आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के स्वामित्व में है। आदित्य बिरला फैशन और रिटेल लिमिटेड भारत का पहला अरब डॉलर फैशन पावर हाउस है। नंबर 2, जैगवार। जैगवार ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कार निर्माता जैगवार लैंड रोवर का लग्जरियस व्हीकल ब्रांड है। इसे मूल रूप से 1922 में सोलो साइड कार कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। 2008 में फोर्ड ने जैगवार और लैंड रोवर दोनों को टाटा मोटर्स को बेच दिया। भारतीय स्वामित्व वाली जैगवार दुनिया के कई देशों में अपने वाहनों का उत्पाद करती है। नंबर 1, रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड मूल रूप से एक ब्रिटिश कंपनी है जो 1893 में स्थापित किया गया था। पुरानी रॉयल इनफील्ड बाइक्स का उत्पादन इनफील्ड साइकिल्स कंपनी के तहत किया गया था। 1948 में स्थापित एक भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी आइसर मोटर्स ने इसे 1994 में खरीदा था। इसका नाम भी बदलकर रॉयल इनफील्ड इंडियन कर दिया गया। तो ये थे दुनिया भर में मशहूर 10 भारतीय ब्रांड। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।